अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का काम प्रगति पर दिख रहा है। कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर ले जाने का कार्य शुरू हो गया है। L&T कंपनी इन पत्थरों को मंदिर परिसर में ले जा रही है। पत्थरों का वैदिक रीति रिवाज से विधिवत पूजन किया गया और फूलमालाओं के साथ इन्हें मंदिर स्थान के लिए भेजा गया। राम भक्तों और साधु संतों ने भगवान श्री राम के नारे लगाकर इन पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर स्थल के लिए भेजा। नींव की खुदाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। एक मंजिल बनाने के लिए 1,00,000 घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं। 2 मंजिल बनाने के लिए पत्थरों के तराशने का काम जारी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की भूमि पूजा की थी और धीरे धीरे देश के लोगों की आशाओं के अनुरूप मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। पूरा हो चुका है। अभी जो नक्शे में परिवर्तन हुआ है वो 2 मंजिल का था, वो 3 मंजिल का हो गया। तो कम से कम हमारे पास 1 मंजिल का पत्थर तैयार है। अभी 2 मंजिल का काम बाकी है। वही राम जन्मभूमि वही कराएंगे। L&T कंपनी वाले वही सब काम वही कराएंगे। आज भगवान राम का ये मंदिर जिसकी कल्पना भक्तों को बहुत दिनों से थी, कार्यशाला में पत्थर देख करके देश का लाखों लाख लोग जा चुका है कि मंदिर तैयार होगा, कब तैयार होगा। आज वो पत्थर जो लोगों ने वर्षों से देखा था वो उठ करके राम मंदिर में लगने के लिए राम मंदिर परिसर में जा रहा है। ये पत्थर उस स्थानों पर यथा समय लग सके उसके पूर्व तैयारी होती है। इनकी सफाई है, इनका रख रखाव है, जिससे ठीक समय पर ठीक पत्थर ठीक जगह लगाए जा सके। राम लल्ला का जो काम चल रहा है वर्षों से, उनके पत्थर जो यहाँ तैयार पड़े हुए हैं कार्यशाला में, तो उसकी आज ये शुरुआत की है जन्मभूमि में ले जाने की। तो हमने भाई एक तो क्रेन मंगवाई है और एक ट्रक मंगवाया है, और उसकी जो पत्थर ले जाने में जो हमको सामग्री लगती है उसकी पैकिंग वगैरह वो सब साथ में लेके आए हैं, और उसको व्यवस्थित यहाँ से ले जाके वहाँ जन्मभूमि में रखेंगे। जन्मभूमि में वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म पे ले जाके अभी हम शिफ्ट करेंगे।